चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते यमुनानगर जिला सचिवालय पहुंचे हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा में 24 अप्रैल को 51 नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होंगे। इसके लिए हरियाणा के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को तैयारियों के आदेश भी दे दिए गए हैं। 5 जनवरी 2022 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ये चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव ईवीएम से होंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए चुनाव आयोग को अपनी सिफारिश भी कर दी है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट चुका है। उन्होंने जानकारी दी है कि वे प्रदेश में उन सभी इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 24 अप्रैल को होने वाले इन चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पंच और सरपंचों के चुनाव को लेकर फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर 4 पंच मामले हाईकोर्ट में लगातार चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, SSC और BC के लिए आरक्षण का भी मुद्दा है। इस मामले में 21 मार्च को न्यायालय में इसकी सुनवाई होनी है। जैसे ही हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलेगी, चुनाव की प्रक्रिया वापस से शुरू कर दी जाएगी। जिला परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद के वार्ड पंचायत समिति के चेयरमैन के चुनाव ईवीएम मशीनों से ही होंगे, जबकि पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के पंचों की संख्या अधिक है जो कि ईवीएम से संभव नहीं है। जो पंचों के चुनाव तो चूंकि नंबर बहुत ज्यादा होता है और उसमें मल्टीपल वोटिंग होते, क्योंकि 8 से 10 तक पंच होते हैं हरेक पंचायत में, तो वहाँ ईवीएम का संभव नहीं है, वो तो बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ही होगा। बाकी जिला परिषद का चुनाव है, पंचायत समिति के चेयरमैन का चुनाव है, वो ईवीएम के थ्रू होगा। पंचायत समिति के वार्ड का चुनाव हम ईवीएम से करवाएं या बैलेट बॉक्स से करवाएं, ईवीएम्स की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि चारों चीज़ों का एक साथ चुनाव होता है या अलग अलग होता है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि जिला परिषद वार्ड का, जिला परिषद चेयरमैन का और पंचायत समिति के चेयरमैन का, वो ईवीएम के मार्फत ही होगा। म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव ईवीएम्स के मार्फत होंगे। भर में हम 51 म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव करने जा रहे हैं। 24 अप्रैल को वोटिंग होगी।